हे ग्रेट मॉर्निंग एवरी वन, स्पेशली बिलीवर्स, है ना, जो खुद पर बिलीव करते हैं कि वो कुछ अचीव करना चाहते हैं। और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मुझे बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों के साथ। मैंने कल जो वीडियो पोस्ट किया था, है ना, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा उस वीडियो को। और वीडियो के एंड में कुछ बातें की थी मैंने, तो उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाऊँगा मैं। तो सिंपल सी बात है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि हमें पढ़ाई क्यों करनी है, हमें स्टडी कंटिन्यू क्यों करनी है। उसको मैं आपको कल एक्सप्लेन करके बताऊँगा, यानी कि मैं आज आपको उसे एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि यार स्टडी क्यों करनी है। तो 2 महीने होते आ रहे हैं हमने स्टडी नहीं की है, और धीरे धीरे क्या होगा ना, हम एक ऐसा कैरेक्टर बिल्ड कर लेंगे हमारे अंदर की जो स्टडी नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है ना। तो हमें ऐसा कैरेक्टर बिल्ड नहीं करना है कि भाई स्टडी नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज़ इसे बताने के लिए बहुत प्यारी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उस स्टोरी से ही हम अंडरस्टैंड करेंगे कि यार एक्चुअली हमें क्यों कंटिन्यू करना है, हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है, हमारी प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है, लिखते रहना, पढ़ते रहना, कुछ गेन करते रहना क्यों ज़रूरी है ना। तो स्टोरी के साथ ही स्टार्ट करता हूँ, बाद में इसका कंक्लूज़न जो उसको उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ एक स्टोरी, सिंपल सी स्टोरी। तो वंस अपॉन अ टाइम, है ना, एक गांव होता है, और उस गांव में कुछ जो फार्मर्स होते हैं वो लोग कुछ गलती कर देते। उस गलती की वजह से क्या होता है, जो इंद्रदेव होते हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, किसी को नहीं पता होगा इंद्रदेव क्या होते हैं क्या नहीं, तो कैरेक्टर्स को छोड़ो, स्टोरी पर ध्यान दो, ठीक है। इंद्रदेव को हम ऐसा समझ के चलते हैं कि उनका डिपार्टमेंट होता है कि वो पृथ्वी के ऊपर बारिश कराए, ठीक है। हाँ, तो उसको लेकर भी सोचना नहीं। तो उन फार्मर्स से इंद्रदेव नाराज़ हो जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई बारिश आने वाले 12 साल तक नहीं होगी। तो फार्मर्स वर बेगिंग इन फ्रंट ऑफ इंद्रदेव, उनके सामने वो जस्ट बेग करते हैं बहुत देर तक कि नहीं ऐसा मत कीजिए, ऐसा वैसा ये सारी चीज़ें। तो इंद्रदेव उनसे कहते हैं कि अगर भगवान शंकर, जिनको पता होगा, बहुत से लोगों को पता होगा, है ना, भगवान शिव जो है, अगर वो अपना डमरू बजा दे तो बारिश हो जाएगी। तो ये वो उनको बता देते हैं। तो फार्मर सोचते कि हाँ चलो ये ठीक है, हम भगवान शिव से जाकर ऐसा सब बोलेंगे तो वो, अगर वो अपना डमरू बजाते तो ऑब्वियसली बारिश हो जाएगी। लेकिन इंद्रदेव पहले ही भगवान शिव के पास चले जाते और उनको बता देते हैं कि आपके पास ये लोग आने वाले हैं, तो आप उनको बोल देना कि 12 साल से पहले आप डमरू नहीं बजाने वाले हो करके। भगवान शिव वही करते हैं, वो सिंपली 12 साल के लिए सिंपली उनको बोल देते हैं कि मैं 12 साल के बाद ही डमरू बजाने वाला हूँ, मैं इसके पहले डमरू नहीं बजाने वाला। तो फार्मर्स एक तरीके से कंफर्म हो जाते कि 12 साल तक खेती नहीं की जा सकती, फार्मिंग नहीं हो सकती, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करना पॉसिबल नहीं है। सब लोग अपने अपने घर पर वापस आ जाते हैं और कुछ और काम करते हुए, कुछ भी करते हुए अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करते रहते हैं। लेकिन एक फार्मर होता है जो क्या करता है, डेली डिगिंग करता है, मतलब ज़मीन को खोदता है, उसमें बीज लगाता है, सोविंग करता है, और बस डेली का काम करता है। उसे पता होता है और बाकी लोगों को भी पता होता है कि क्रॉप्स नहीं आने वाले हैं, अनाज नहीं मिलने वाला है, फिर भी वो ऐसा करते रहता है, लोग उसकी इस बात का मजाक उड़ाते रहते हैं। 3 साल बीत जाते हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो सोविंग कर रहा है, बीज लगाते जा रहा है, क्रॉप्स नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें चल रही होती है। एकदम से कुछ लोग उससे पूछना शुरू कर देते कि क्यों, तुझे पता है कि क्रॉप नहीं मिलने वाला, उसके बाद भी तू क्या कर रहा है, सोविंग कर रहा है, डिगिंग कर रहा है, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर एनर्जी एफर्ट, है ना, जब तुझे क्रॉप मिलने ही नहीं वाला है तो तू ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है, करने की नीड क्या है तुझे ये सारी चीज़ें। तो वो जो पर्सन होता है वो बहुत ही प्यारा आंसर देता है कि एक बात बताओ, 12 साल के बाद बारिश होने वाली है, 12 साल के बाद जब बारिश होने वाली है, अगर तब तक मैं दूसरी एक्टिविटीज़ में लग जाऊँ, मैं कुछ और काम करूँ या फिर बैठा रहूँ, और 12 साल के बाद जब मुझे एक्चुअली खेती करनी रहेगी, और लेकिन अगर मैं भूल गया तो, कुछ समझा आपको, अगर मैं भूल गया तो कि खेती कैसे की जा सकती है, अगर मतलब मैं वो एफर्ट, वो एनर्जी देना, वो सारी चीज़ें अगर मैं नहीं कर पाया तो मुझे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मुझे पता है कि क्रॉप नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी मुझे क्या करना है, मुझे मेरी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, ये ऐसा वो बोलता है। तो वहाँ पर
जो भगवान शिव होते हैं ना, उनकी जो मतलब पत्नी है उनका नाम पार्वती है, आई होप आपको पता होगा, सबको पता होगा ना ये, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर खड़ी होती है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर सुन रही होती है इस किसी कोने में खड़े होकर। तो उसको एकदम से लगता है कि यार चलो जाकर भगवान शिव को ये बातें बतानी चाहिए कि एक लड़का ऐसा भी है जो ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो जो पार्वती माता होती है वो भगवान शिव के पास पहुँचती है और वो उनको सारा किस्सा बता देती है कि ऐसा ऐसा एक लड़का है जो ये कर रहा है, बोल रहा है कि मतलब अगर मैं खेती करना भूल गया तो भगवान शिव, जैसे कि आपको पता है इनोसेंट है ना, उनको भोले भी कहा जाता है, तो भोले होते हैं बहुत ज़्यादा। तो पार्वती माता उनसे कहती है कि थोड़ा एक बात बताइए, क्या वो लड़का अगर खेती करना भूल सकता है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 12 साल तक अगर आप डमरू नहीं बजाए, जैसे कि 3 साल बीत चुके आपने डमरू नहीं बजाया, तो ऐसा तो नहीं कि आप भी डमरू बजाना भूल गए हो 12 साल के बाद अगर आपने डमरू नहीं बजाया तो? तो भगवान शिव, जैसे कि आपको पता है इनोसेंट होते हैं, वो चेक कर लेते हैं, वो सोचते कि चलो यार चेक करता हूँ कि कहीं मैं डमरू बजाना भूल तो नहीं गया, और वो गलती से डमरू बजा देते। और आपको तो पता था क्या होने वाला था, जैसे वो डमरू बजाते वैसी बारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये स्टोरी थी, एक बात बताइए इससे क्या सीखने को मिलता है, इससे कंक्लूजन क्या मिलता है? कंक्लूजन एक छोटा सा निकलता है, वो जो बंदा था है ना, वो जो लड़का था जिसने ये इस बात को साइड में रख दिया कि क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली, मुझे बस मेरी प्रैक्टिस करनी है, उसने तो सोविंग करके रखा था, डिगिंग किया था, सोविंग किया था, क्रॉप नहीं मिलने वाला था ये भी उसको पता था, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस करते जा रहा था, कर रहा था, तो उसको तो सब कुछ पता था। लेकिन एकदम से बारिश होने से क्या हुआ, क्रॉप मिला, लेकिन सिर्फ किसको मिला, सिर्फ उसको मिला, बाकी किसी को मिला नहीं मिला, क्योंकि बाकी सब ने क्या सोच के रखा था कि हाँ बिल्कुल भी एक तरीके से बारिश नहीं होने वाली है। अब यही बात मेरे दोस्त बहुत से लोगों को सोचनी है कि ये हो सकता है क्या। हमें पता है कि हम लॉकडाउन के अंदर है, हम लॉकडाउन के अंदर है, हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आप कन्फर्म है कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा? क्या मैं कन्फर्म हूँ लॉकडाउन कब ख़त्म होगा? मैं अपना काम अगर करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको स्टडी क्यों करनी है, आप अपनी स्टडी करते रहिए। लॉकडाउन ख़त्म होती है, अगर कोई ऐसा अनाउंसमेंट आ गया कि नहीं इतने इतने सब्जेक्ट के ऊपर तो पेपर होने वाले हैं, ये चीज़ तो करनी ही करनी है ना, तो उस टाइम पर ना आपका बेनिफिट होना चाहिए, ना कि आपका नुकसान होना चाहिए। तो ये है बेनिफिट प्रैक्टिस करने का। आपको ये छोड़ देना है कि लॉकडाउन कब तक है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, आपको ना अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। और इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम स्टडी करेंगे डेली 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हम जो लेक्चर दे रहे हैं उसको बस अंडरस्टैंड करो, उसके ऊपर जो होमवर्क रहेगा, असाइनमेंट रहेगा, वो आपको बता दिया जाएगा, और उसको करने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है। आपको डेली का अपने घर पर बस 20 मिनट टू 30 मिनट्स देने हैं पढ़ने के लिए। और जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू, ओके, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि सारी चीज़ों को हम अगेन एंड अगेन आपको पढ़ा कर देंगे, बोर्ड पर क्लियर करवा कर देंगे, बेस्ट तरीके से आपको डाउट्स, आपके जो डाउट्स हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल मत सोचना दोस्त, है ना। तो ये था आपके लिए एक सिंपल सा एक कंसेप्ट या फिर एक सिंपल सी स्टोरी, जिससे मैं ये बताना चाहता था कि हमें क्यों प्रैक्टिस करनी है, हमें अपने ऊपर बिलीव रखना है, और ये चीज़ें नहीं सोचनी है कि क्या हो रहा है, हमें बस इस चीज़ की तरफ ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं, और हमें खुद की तरफ ध्यान देना है। ओके, व्हेन यू फोकस योर सेल्फ यू आर गोइंग टू ग्रो, व्हेन यू जस्ट फोकस समवन एल्स दे आर गोइंग टू ग्रो, इस बात को ध्यान में रखना आप हमेशा। आप अपने तरफ फोकस करोगे आप बढ़ेंगे, आप दूसरों की तरफ फोकस करोगे आप उनको बढ़ते हुए देखेंगे, तो ऑब्वियसली वो अपने बढ़ते रहे अपनी लाइफ में, लेकिन जब आप अपने तरफ फोकस करेंगे तो आप ही बढ़ने वाले हैं। इसलिए चलिए, तो ये स्टोरी सबके लिए थी, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी लोग हैं सबके लिए थी। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, अपनी प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, अपना टाइम स्पेंड कीजिए, टाइम को इन्वेस्ट कीजिए, वेस्ट मत कीजिए, कुछ भी कीजिए बट बिजी रहिए, है ना, बिजी रहिए। बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, कुछ और क्वेश्चंस आया उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए लेट्स सी और क्या होता है। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।